आप लोग भी उसी कैटेगरी में हो जहाँ पर आपने सोचा था कि हम लोग घर पे सोलर पैनल लगवाएंगे, लेकिन जब खर्चे की बात आती है तब हिम्मत ही नहीं होती। तो आप सबके लिए एक खुशखबरी है, हमारे सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च करी है, जिसके अंदर आपको सोलर पैनल पे 60-65% की सब्सिडी मिलने वाली है। अब ये जो योजना है पीएम घर सूर्य योजना, इसका लॉन्च हुआ था 2024 में, और जैसे ही लॉन्च हुआ तो एक महीने के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके थे। अगर आप सिर्फ इस बात के लिए इस वीडियो को देख रहे हो कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम और भी कई चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ इस चीज को करवाने का खर्चा, यानी कि लगवाने का खर्चा कितना आएगा ये भी हम लोग देखेंगे। इस चीज के अंदर स्कीम के अंदर क्या क्या खामियां हैं ये भी हम लोग देखेंगे, और ये स्कीम आपके लिए फायदेमंद कैसे होगी ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और ये सारी जानकारी ना आपको कोई और नहीं देगा। अगर आपको पता होगा तो ये कोई नई स्कीम नहीं है, इससे पहले भी सरकार ने सब्सिडी दी थी सोलर पैनल लगवाने के लिए। और इससे पहले ना सरकार ने जो स्कीम निकाली थी उसका नाम था पीएम सूर्योदय योजना। लेकिन पीएम सूर्योदय योजना ये सूर्य घर योजना से अलग कैसे है, इसके बारे में देखते हैं। वैसे तकनीकी रूप से देखा जाए तो दोनों जो स्कीम्स है वो सेम ही है, लेकिन इस स्कीम में थोड़े से सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है और आपके सामने पेश किया गया है। पहले क्या हुआ करता था, पहले आपको 1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए 18,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, उसको बढ़ा के 30,000 कर दिया है। जो 2 किलोवाट का सोलर पैनल है उसके लिए आपको पहले 36,000 की सब्सिडी मिलती थी, उसे बढ़ाकर अब 60,000 कर दिया। वही पर 3 किलोवाट का जो सोलर पैनल है उसको पहले मिलती थी सब्सिडी 54,000 रुपए की, अब 78,000 रुपए की मिलती है। लेकिन जो मैक्सिमम कैप है सब्सिडी के ऊपर वो है 78,000 रुपए की। इसका मतलब आप चाहे 4 किलोवाट का सोलर पैनल लो या फिर 10 किलोवाट का, ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सिडी मिलेगी 78,000 रुपए की। और अब सवाल ये आता है कि आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल ठीक रहेगा। तो इसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइन निकाली है जो कि निर्भर करती है इस चीज के ऊपर कि आपको एक महीने के अंदर आप कितने यूनिट इस्तेमाल करते हो। तो मान लो कि अगर आप 150 यूनिट एक महीने में इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए 1 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट का सोलर पैनल आपके लिए सही रहेगा। तो हमारे हिसाब से 1 किलोवाट का पैनल आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो 120 यूनिट से लेकर 130 यूनिट तक आपको जनरेट करके दे देगा हर महीने। वही पर अगर आप 120 यूनिट से लेकर 240 यूनिट इस्तेमाल करते हो तो फिर आपके लिए 2 किलोवाट का पैनल सही रहेगा। और वही पर अगर आप 240 से लेकर 360 यूनिट इस्तेमाल करते हो तो फिर आपके लिए 3 किलोवाट का पैनल सही रहेगा। अब जब भी कभी अप्लाई करने जाओगे वेबसाइट पर तो वहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपलोड करने का। जैसे बिल अपलोड करेंगे वहां से रिकमेंडेशन आ जाएगा कि आपको कितने वाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए, तो इसकी टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्कीम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब वैसे तो कोई भी भारतीय नागरिक स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और जिसके घर पे बिजली का कनेक्शन है। उसी के साथ साथ उसका एक खुद का घर होना चाहिए जिसके ऊपर एक छत हो, और उसने पहले कभी कोई भी सब्सिडी सोलर के लिए नहीं ली होनी चाहिए। अगर आप इन सारे क्राइटेरिया में फिट हो जाते हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। चलो अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि स्कीम के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पे जाना है। अब एक बात की मैं चेतावनी यहाँ पर देना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी डुप्लीकेट वेबसाइट यहाँ पर बनाई गई है आपके साथ स्कैम करने के लिए, तो अगर आप गलत वेबसाइट पर क्लिक करते हो तो आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। इसीलिए जो ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप प्लीज उसी लिंक पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। अब क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा, वहां पर आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वहां पर वो आपको सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालना है। कंज्यूमर अकाउंट नंबर अगर आपको नहीं पता है तो आपको कोई भी पुराना बिजली का बिल उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद ये आपसे आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर मांगेगा, और उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन पूरे होने के बाद आपके जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल सब फिर से डालना होगा। उसके बाद आपको अपना 2 से 3 महीने पुराना बिजली का बिल अपलोड करना होगा, और फिर उसके बाद आपको अपनी लोकेशन अपडेट करनी होगी जहाँ पर आपको यह सोलर पैनल बिठाना है। आखिरी स्टेप में आपको अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सब्सिडी आएगी वो उसी बैंक में आएगी। अब ये सब डालने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी, और आपके ईमेल पे गवर्नमेंट से आपको एक रिसीट आ जाएगी। अब इसके बाद आपके साइट की फिजिबिलिटी यानी कि व्यवहारता देखी जाएगी, और उसके बाद जाके ये सोलर पैनल लगेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है और ये कुछ महीने भी ले सकता है। अब यार ये सोलर पैनल तो लग जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको नेट मीटरिंग अरेंजमेंट भी लगवानी पड़ेगी, और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अब जैसे कि सरकार ने बोला है कि आप 300 यूनिट तक फ्री बिजली इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्या होगा अगर आपका पैनल 300 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपके पैनल ने 350 यूनिट जनरेट किए हैं और आप 300 यूनिट ही इस्तेमाल कर रहे हो तो जो ऊपर के 50 यूनिट है वो डिस्काउंट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और उसके आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। तो अगर भविष्य में आपको कभी भी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है तो आप फ्री में उसको बोरो कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा कि जो नेट मीटरिंग अरेंजमेंट है इसके लिए आपको 10 से 15 हजार का खर्चा आता है, तो उसको भी ध्यान में रखना।
तो चलिए देखते हैं कि आपको सोलर पैनल लगवाना चाहिए या नहीं और क्या ये फाइनेंशियली आपके लिए सही निर्णय रहेगा या नहीं। तो मान लेते कि आपने 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने का सोचा है और आपके राज्य में पर यूनिट का जो प्राइस है वो है 6 रुपए और आप हर महीने 120 यूनिट इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब आपको हर महीने बिल आता है 700 से 750 रुपए। एक साल का खर्चा हुआ 9000 रुपए। अब जो बिजली का बिल है वो तो हर साल बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो अगर आप सोलर पैनल लगवाते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। उसके बाद अगर पर किलोवाट इंस्टॉलेशन चार्ज देखे तो वो आता है कुछ तकरीबन 50,000 रुपए के आसपास। अब ये 50,000 रुपए काफी बड़ा अमाउंट है, ठीक ठाक अमाउंट है अगर आप बड़ा पैनल लगवा रहे हो, लेकिन 1 से 2 किलोवाट के लिए ये जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है और वो आपको देने पड़ सकते हैं 75,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए। अब ये सब मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो मान के चलते कि आपको 75,000 रुपए खर्चा आता है, तो 2 किलोवाट के पैनल के लिए आपको खर्चा है 1.5 लाख रुपए, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिली 60,000 रुपए की, इसका मतलब आपने दिए 90,000 रुपए। इसी के साथ साथ 2 से 3,000 रुपए का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपको पकड़ के चलना होगा, तो हम लोग 2,500 रुपए का मेंटेनेंस कॉस्ट पकड़ के चलते हैं। अब जो आपका कुल मिलाकर खर्चा आया है वो है 90,000 रुपए वन टाइम इंस्टॉलेशन का, नेट मीटरिंग असेट का 15,000 रुपए और उसके बाद जो एनुअल कॉस्टिंग है वो है 2,500 रुपए। अगर आप नॉर्मल बिजली इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एक साल में खर्चा आता है 9,000 रुपए। तो ये सब कैलकुलेशन देखने के बाद आपको 15 से 16 साल लग जाएंगे ये पूरी अमाउंट को रिकवर करने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि बिजली का जो बिल है वो बढ़ने ही वाला है, बिजली के रेट बढ़ने ही वाले हैं, तो ये 15-16 साल का जो समय है वो नीचे भी आ सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। अब ये जो मैंने आपको समय बताया 15 से 16 साल का, गवर्नमेंट बताती है कि ये समय सिर्फ 6 से 7 साल का होने वाला है, तो हो सकता है कि ये छोटे पैनल के ये समय थोड़ा और भी ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद जो आपको बिजली मिलेगी वो पूर्णतः मुफ्त होगी। मान के चलते कि जो पैनल है वो 25 साल भी चल जाता है तो अगले 10 साल के लिए आपको जो बिजली मिलेगी वो पूर्णतः मुफ्त। अब जो निर्णय है वो आपके हाथों में, तो आराम से बैठ के निर्णय लेना कि आपको लगवाना है या नहीं लगवाना है, और जो भी आपका निर्णय होगा वो हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लगवाने वाले हो या नहीं लगवाने वाले।